वेलकम बैक श्री, वापस आ गए हम। बिंदिया जी हमारे साथ हैं, और इससे पहले कि हम उनसे ज़रा गुफ्तगू करें और इनसे एक बहुत ही मज़े का गाना हमने सुनना है जो उन्होंने अपनी एल्बम के लिए बनाया है, उससे पहले एक विश आई है जी। हमारी बहुत ही प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरी बड़ी प्यारी सहेली भी हैं, नाम है उनका नसीम, मगर प्यार से हम उन्हें बेबी कहते हैं, और आगे से उनका एक नेफ्यू है जिसका बर्थडे है, जिसका नाम है बॉय। सो उस बॉयज़ को हम बर्थडे विश करते हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अल्लाह मियां बहुत खुश रखे आपको, और ये हमारा शो बड़े शौक से देखता है तो मैंने कहा इसको तो विश करना बहुत जरूरी है जी। बिंदिया जी, ऐसे आप भी विश कर दें। कितने साल का? कितने, 5 नहीं 12 साल का है। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, हम शादी मुबारक कहते हैं क्योंकि हम बेटे को जब देखते थे छोटे में, हम कहते जल्दी थी बड़े हो जाओ। आपको बड़ा शौक है ना बेटे की शादी करने का? नहीं अभी शादी नहीं, अभी बर्थडे तक ही रहे। बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, हमने ये सुना है कि आपको बॉलीवुड से और हॉलीवुड से भी ऑफर हुई फिल्म्स की। जी, जब हम अमेरिका में थे तब भी, जब यहाँ थे पाकिस्तान में तब भी। अच्छा, और बड़े लाखों रुपए हमें देते थे। तो क्यों नहीं आपने लिए? वो असल में हमारे पेरेंट्स की दो रिलीजन में शादी हुई थी, ब्राह्मण और मुस्लिम में, तो हम कहते थे अगर बेटा वहाँ गया दार्जिलिंग में, वो कहते थे दाखिल कर दो, और दीस चोपड़ा एंड महेश भट्ट एंड एवरीबॉडी अप्रोच्ड मी। सो माय डायरेक्टर यावर हसन, नहीं तुम जाओ, वो कहते हैं इस लड़की को 3 कपड़ों में भेज दो। तो हमें मुहावरे का पता नहीं लगता था, हमने कहा नहीं यावर साहब, 3 कपड़ों में तो कहते हैं शादी, 2 कपड़ों में शादी कर लिया। कहा कि यावर साहब 3 से तो ज्यादा जोड़े हैं हमारे पास। आई वॉज वेरी इनोसेंट, आई डिडंट नो दीज फ्रेजेस। सो फिर हम नहीं गए क्योंकि हमने कहा वो कंफ्यूज हो जाएगा, एक ही इस्लामिक माहौल में रहे, वहाँ भी हालांकि मुस्लिम्स हैं लेकिन वो जहाँ जो जैसा होता है ना, जैसे अमेरिका में हम गए तो हमने ऐसा किया कि नौकरियाँ नहीं ज़्यादा की, हमने सिर्फ सुबह की। पैसा जो था वो कभी भी अहमियत नहीं रखता, कभी नहीं अहमियत। हम लोग तो पैदा ही गोल्डन स्पून से हुए थे और बाप ने माँ ने खींच के रखा था हम लोगों को। हमारे ऑर्डलीज खड़े होते थे, खाना सर्व करते थे, तो अगर हम पानी पूछे थे डैडी कहते थे किससे पूछा है, मैंने कहा वो नौकर से, कहते हैं वो तुम्हारा नौकर नहीं मेरा नौकर है। क्या बात, कल को तुम्हें पता नहीं क्या लाइफ। आई थिंक दैट्स द राइट ट्रेनिंग, यही बच्चों को देनी। फिर मम्मी ने दरवाजे में, हमने आना जब शूटिंग से तो बड़ा किया, कोई एक्टिंग करके आए, तो हमने देखना मम्मी दरवाजा खोलेंगी हम कैसे लग रहे हैं, तो कहती हैं हाँ अंदर आओ, फिर जाओ सीधा किचन में। मैं कहा किचन में दुनिया हमारी इज्जत, हमने कहा दो दो माइयां रखी हुई, कहती नहीं तुम जाओ खाना बनाओ, सब तैयार करो और सर्व करो। सही बात। So then I was offered in here also when I was in Pakistan, then when I went to America. सही। But जब अमेरिका में थे ये हुआ कि बेटे को पाल पाल के ना वो फोकस नहीं थे हम। I was not together. So I told them I'm not ready. बॉलीवुड से हमें ऑफर आई कि आप बस वीज़ा लो और आ जाओ। हमने कहा नहीं, इतने हम पागल नहीं हुए भी इंडिया आने के लिए, आएंगे ज़रूर आएंगे, जब आएंगे तो फिर मुड़ के वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन जब आएंगे तो हमें प्रॉपर स्क्रिप्ट दें आप, गिव मी प्रॉपर स्क्रिप्ट, ऐसे नहीं कि बस जो आजकल होता है कि ये तो मालूम नहीं हम किस तरह यहाँ के काम करें, आजकल तो स्क्रिप्ट ही नहीं हाथ में मिलता जी, तुम आ जाओ सेट से, तो फिर वो उसका पूरा देखभाल करना पड़ता है, ड्रेसेस क्या ये वो, और आप बेवकूफ़ लगते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करते, क्या ड्रेस पहनना है, क्या ड्रेस कोड होना है, अच्छा इसमें सिर्फ गरारा पहनने या सिर्फ साड़ी है, और ये तुसी जो मर्जी पा लो तुसी करूं ले आओ, ये क्या बात हुई? सही, करूं क्या ले आओ, एवरीडे हम लोग घरों ले आएंगे तो घर में तो फिर दीवारें ही लेकर आएंगे ना, और ईंटें बिल्कुल सही वही पहनेंगे ना। अच्छा, मैंने सुना है आपकी जो लिविंग है वो बहुत सिंपल लिविंग है, आप खुद काम करती हैं अपने घर का, और आप बिल्कुल वो उस तरह से नहीं कि जी अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो मैं बहुत लेविश तरीके से रहूं, क्योंकि एक तो देखें हमारे बंगाल का घराना बहुत सिंपल है। ठीक, मेरी फूफियाँ जो थी, जब कभी हमारी फूफियाँ शादी ब्याह के जाती थी तो हम कहते थे कि बस ये पहना आपने कॉटन की साड़ी, स्टार्च्ड तेल लगाया सर में, जुड़ा बनाया और तैयार। मम्मी कहा तैयार है, लोग क्या कहेंगे और हल्के से बालियां पहने, हल्के से तो फिर भी हम शौक से पहन लेते हैं, लेकिन दे वर वेरी सिंपल इन द ड्रेसिंग। अगर काम का एक माहौल है सारे दिन का, तो अगर एक बैग तैयार करना है सारे दिन के लिए, ये टाइम में ये करना है, गाने की प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, फिर हमने गाने रिकॉर्ड भी करने हैं, फिर साथ घर का काम भी करना है, फिर शूटिंग भी देखनी है, फिर कपड़े भी देखने हैं, एवरी थिंग इज़ ऑन माई माइंड। सो यू हैव टू, बल्कि अभी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि responsibilities itni nahi na, true lekin true. I was offered and I said proper scripts honge, then Hollywood mein offer hua hame, I said no I'm not ready yet, ek play ek film humne yes kar di thi, lekin jab hum sign bhi ek sab kaam ho gaya tha with Robert De Niro and Antonio Banderas, and that was to be made like Jewel of India. Achha. And they had selected me, but the production manager's brother
वांटेड आल्सो के वो शूटिंग के लिए जाए, रिकॉर्डिंग के लिए. बकायदा कैमरा होता है, सारी हम लोगों की डायलॉग डिलीवरीज होती हैं. ये नहीं कि वो एक्ट्रेस आई है कहीं से तो ये इसको तो आता होगा, नहीं. इवन सोफिया लॉरेन वुड स्टैंड इन लाइन और रॉबर्ट डी नीरो. सो आई वेंट देयर एंड दे हर चीज में बेहतरी होती है कि सो दे एंड द थर्ड मैन वाज कास्टेड वाज एंडी गार्सिया. अच्छा, ऑफ माय फेवरेट. अच्छा, ऑल वेंट गुड. आई मीन रॉबर्ट डी नीरो, एंडी गार्सिया एंड and you and that but, yeah, I always try to focus on his name. Antonio Banderas. So balki bete ko kabhi log dekh ke kehte the Antonio Banderas. acha ji, acha mere kaan mein bar bar baat ki ja rahi hai ki humne aapki singing ke hawale se itna kuch aap se baatein ki hain. ab bahut sare jo dekhne wale hain, bahut sari jo calls aa rahi hain, wohi cha rahe hain ki aapka gana suna jaye. I think we should end the show on the song, kyunki logon ko pata chalna chahiye ki kitni mehnat ho rahi hai aur bahut jald inshaallah inki album jo ki expected hai ki badi eid ke upar. एक बड़ी टीम काम कर रही है. राहिल फियाज हैज मेड माय सॉन्ग्स एंड जफर भाई इज गिविंग मी ट्रेनिंग. ब्रिलियंट. एंड फैसल इज अ वेरी गुड पॉइंट. बल्कि फैसल के साथ एक गाना भी डुएट. अच्छा, दैट्स ग्रेट. तो हम जी गाना सुनेंगे आपसे. वी कैन टेक आउट द माइक और फिर हम गाने ही पे एंड करेंगे. और मेरी तरफ से खुदाफिज. इस ब्रेक के बाद आपको शेफ अब्दुल मनान ज्वाइन करेंगे और आपको एक मजेदार सी रेसिपी बनानी सिखाएंगे. और आई थिंक और हमारी गलतियाँ भी माफ कर दीजिएगा. नया नया कैसे बिल्कुल. आई थिंक वी शुड स्टार्ट चैलेंज. वेयर यू वांट मी टू स्टैंड? जस्ट राइट हियर. राइट हियर. एनीवेयर, व्हेयर एवर यू फील लाइक इट. कम डाउन.